COVID-19 और लॉकडाउन 38वां दिन ऑलमोस्ट जारी है, रिलैक्सेशन कुछ जगहों पे मिलती नज़र आ रही हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं अपने इलाकों से बाहर, उनके लिए क्या कुछ हो पा रहा है। मैं इसी सिलसिले में मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डायफोर्ड मौजूद हैं। इन्हीं से जानना चाहेंगे उन एप्रीहेंशंस के बीच जहाँ पर एक तरफ से कुछ लोगों को एंट्री मिल रही है डोडा के अंदर या भदरवा के अंदर आने के लिए, वहीं कुछ लोग एक परमिशन के लिए पिछले एक महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके बारे में क्या राय है। मैं आपको बताता चलूँ पहले तो कि आपके माध्यम से उन सबको बताना चाहूँगा जो स्टैंडर्ड है अलग अलग जगहों पे, हम सबसे रीच आउट कर रहे हैं। उत्तराखंड में कोई स्टैंडर्ड है, कोई हिमाचल में स्टैंडर्ड है, इनफैक्ट खुद मेरी फैमिली भी महाराष्ट्र में स्टैंडर्ड है, बट वी ऑल नो दिस कंडीशन आर सीरियस। इसमें हम अभी फ़िलहाल जो है लॉकडाउन चल रहा है, 3 मई तक लॉकडाउन चलेगा, एंड लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन एरिया टू दी अनदर एरिया, जैसे बैक होम भी अगर आप कहेंगे, तो अभी तक उसके बारे में जो है वो डिसीजन जो है वो केस टू केस बेसिस पे लिया जा रहा है। इसीलिए जो जो लेबरर्स हैं जो फंसे हुए हैं, मैं कहूँगा जैसे उत्तराखंड में फंसे हुए हैं, उनको हम टच कर रहे हैं, उनको सप्लाईज की कोई इशू नहीं है, दे आर कम्फर्टेबल प्लेस टू वर्क देयर। हम खुद इंश्योर कर रहे हो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके कि उनको फिलहाल मेडिकल सप्लाईज या जो भी उनका राशन है उसके बारे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनके रिटर्न के बारे में जो है वो कॉल लेना अलग अलग लेवल पे है, इट इज़ नॉट अ कॉल दैट हैज़ टू बी टेकन ओनली ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसका कोऑर्डिनेशन जो है वो यूटी लेवल पे लेना है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है। हमें ये भी खबरदारी लेने की बड़ी ज़रूरत होती है कि जो भी लाएंगे, क्योंकि वो मात्रा जो है मैं आपको बताता चलूँ 10,000 से 12,000 तकरीबन लोग हो सकते हैं जो अलग अलग एरियाज में बाहर हैं, वो अगर हमारे पास आएंगे तो हमें ये भी खबरदारी रखनी है कि कहीं वहाँ से कोई ट्रांसमिशन या फिर इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड आउट होकर, आप जानते हैं कि आज हमारे पास कोई भी पेशेंट नहीं है, वी हैव टू इंश्योर दैट ऑल्सो कि जब वो बाहर से अंदर आ रहे हैं तब कोई ऐसे इन्फेक्शन नहीं लेके आ रहे हैं। इसीलिए जो जो मैकेनिज्म इन प्लेस करनी है उनके क्वारंटाइन की, वो सारी फैसिलिटीज़ तैयार करके रखी हुई हैं। 4,000 से 4,500 की क्वारंटाइन फैसिलिटी हमारे पास टोटली तैयार है। सर, मैं एक बात समझना चाहूँगा, आपको इंटरप्ट करूँगा, एक चीज़ समझना चाहूँगा, कुछ एप्रीहेंशंस लोगों के बीच में है और कुछ रूमर्स भी शायद इस तरह के हैं, क्योंकि आप हाईएस्ट पोजीशन पे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आपसे क्लैरिफिकेशन मिले तो लोगों के बीच में एप्रीहेंशंस ख़त्म भी होती हैं। कुछ एप्रीहेंशन इस तरह की हैं कि इन्फ्लुएंशियल लोग, कुछ शायद पॉलिटिकल लीडर्स भी शायद कुछ एक दो दिन में जो है एंटर हुए जम्मू के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे जोन्स का भी है कि किन जोन्स से वो आए हैं, इस चीज़ पे हम क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा लेना चाहेंगे आपसे। मैं आपको बताता चलो, एब्सोल्युटली इस मैटर में इंसान इंसान है, बिकॉज एवरीबडी इज़ लाइबल टू द इन्फेक्शन एज इक्वली, तो कोई इसमें इन्फ्लुएंशियल नहीं है, कोई अफसर नहीं है, कोई जो है वो सीनियर सिविल सोसाइटी का मेंबर नहीं, एवरीबडी इज़ इक्वल। स्ट्रिक्ट पॉलिसी हमारी है, असर नाके पे वायोलेट किया जाता है, अगर किसी के पास में इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट का पास है, इमरजेंसी बेसिस पे है, तो उसको छोड़ा जाएगा, नहीं तो कोई भी हो तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, केस टू केस बेसिस पे ये चीज़ें इवॉल्व होती हैं, इवेल्यूएट होती है, अगर किसी की इमरजेंसी रिक्वायरमेंट पाई जाती है और पासेस उसके पास अवेलेबल है तो उसको छोड़ा जाता है। अगर रेड जोन से कोई इंसान आ रहा है, चाहे उसके पास में लीगल पास भी है, अगर इफ़ ही हैज़ मैनेज टू गेट अ पास, बट इफ़ इज़ कमिंग फ्रॉम अ रेड जोन ही विल नॉट बी परमिटेड। अगर मान लीजिए कि ऑरेंज जोन से हमारे पास कोई आता है, हमें लगता है कि ये हाई रिस्क पेशेंट है, मीडियम रिस्क पेशेंट है, तो उसको कंपलसरी क्वारंटाइन प्रोसीजर्स हम लोग केस टू केस बेसिस पे इवॉल्व करते हैं। तो मैं आपको और हॉस्पिटल नो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अगर वो ग्रीन जोन से हमारे पास आते हैं तो एज अ प्रिकॉशन हम लोग होम क्वारंटाइन में उनको डाल देते हैं। रेड जोन से, ऑरेंज जोन से आ रहे हैं, अगर हमें लगता है कि ऑरेंज जोन से आ रहे हैं, स्पेसिफिकली वो एरिया है जो ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हुआ है, तो उनको हम इंश्योर करते हैं, इट हैज़ टू बी सी द रिस्क हैज़ टू बी एवेल्युएटेड एज पर द पेशेंट। अगर मान लीजिए कि सिम्टोमेटिक है तो हम लोग कंपलसरी उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में डालते हैं। तो इसके बाकायदा SOPs हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट की दी हुई हैं, वो पूरी तरीके से फॉलो होती है। कोई भी ऐसा केस, मैं आपको तसल्ली एक बार और देना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा केस जो है वो इलीगल एंट्री जो है वो परमिट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। सर, मैं समझना चाहूँगा, देखिए एक इशू आ रहा है एक एप्लीकेशंस का, जो आप मतलब जो एप्लीकेशंस हैं जो अप्लाई करना है पासेस के लिए, उसमें बहुत बड़े इश्यूज फेस करने पड़े। मैं एक फैमिली को बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले एक महीने से, और फैमिली भाला से है, बात उसी सिलसिले में हो रही थी, भाला से फैमिली है, पिछले एक महीने से बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई है। एक फादर सन डुओ है, बच्चा बीमार भी है, बेटा बीमार भी है, कुछ किडनी के इश्यूज भी हैं। आज ADC साहब ने रेलेवेंट जो है वहाँ पे कंसर्न ADC साहब है, उन्होंने उनको बुलाया भी, तो उनको एंट्री नहीं मिली बाद में ऑफिस के अंदर कि उनको परमिशन मिल सके। वो परमिशन के लिए एक आम आदमी जो है, एक मजदूर तबके का आदमी जो है, वो स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए भी उसके पास उतना जो है वो नहीं, अगर जम्मू में फंसे होंगे तो फिर उनको इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट का पास है, उसके लिए एक सेपरेट अथॉरिटी है, कलेक्टर PWD उसकी अथॉरिटी है, उसके पास वो अप्लाई कर सकते हैं और पास ले सकते हैं। थैंक यू।